इस सवाल के साथ कि आखिरकार बेटियां सुरक्षित कब होंगी, क्योंकि कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। दरअसल मामला छेड़खानी का है, छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। ताजा खबर मिल रही है कि पुलिस मुठभेड़ में इस मामले को लेकर दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि छेड़खानी का विरोध करने पर जमानत पर आए आरोपियों ने घर में घुसकर माँ और मौसी से मारपीट करी थी। घायलों को कानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक परिजन की मौत हो गई। वहीं इस मामले में एसएसपी अनंत देव तिवारी ने कहा है कि 2018 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जमानत पर बाहर आए आरोपियों ने परिजनों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें इलाज के दौरान शुक्रवार को रूबी की मौत हो गई। तो सवाल आखिरकार बेटियां कब सुरक्षित होंगी, चूंकि मामला 2018 का है, जब एक पीड़िता से छेड़छाड़ की गई थी और उसी में मां ने मुकदमा दर्ज कराया। छह जो आरोपी जिनको जेल में भेजा गया, जमानत पर रिहा हुए और इसी दौरान मां पर बेरहमी से हमला किया गया और मां की मौत हो गई। ये वर्ष 2018 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये लोग मुलजिम थे और इनके द्वारा ये लोग बेल करा करके बाहर आ गए थे। फिर इनके भाइयों, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़िता के भाइयों और उनके बीच में कुछ वो लोग बैठ करके साथ में शराब वगैरह पीते थे। इस बात को लेकर के परिवार ने शिकायत किया था। इसी बात पर ही इन लोगों ने फिर पुनः उसके साथ मारपीट किया और जिसमें करीब 7-8 दिन से। तो 2018 का मामला है और लगातार इन आरोपियों के जरिए जब जमानत से रिहा हुए तो इनके जरिए दबाव बनाया जा रहा था, जो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था उस मामले को वापस लिया जाए। और इसी से इनकार जब पीड़िता की मां ने किया तो मां और मौसी पर जानलेवा हमला किया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शुक्रवार को पीड़िता की मां ने दम तोड़ दिया। और अब इस मामले में आपको बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि 6 आरोपी हैं और इन 6 में से फिलहाल मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस खबर के साथ ही एक बार फिर से सवाल यही कि आखिरकार प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब बेटियां सुरक्षित होंगी और कब उन्हें न्याय मिल पाएगा। तो परिजन पर जानलेवा हमला किया है और इसी में पीड़िता की मां की मौत हो गई। तो कानपुर का यह मामला है, छेड़खानी से जुड़ा हुआ, जहां छेड़खानी का विरोध किया एक पीड़िता ने, साल 2018 का यह मामला है। और विरोध करने के चलते यहां पर जब पीड़िता की मां को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इन 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जेल पहुंचे। जेल से हाल ही में कुछ दिन पहले ही जमानत पर रिहा हुए, लेकिन इस दौरान दबाव पीड़िता पर, पीड़िता की मां पर बनाया गया कि जो केस दर्ज किया गया है उन पर, उस केस को वापस लिया जाए। और जब इनसे इनकार किया गया तो ये आरोपियों को नागवार गुजरा और इसी के चलते जमकर मारपीट पीड़िता की मां और मौसी से की गई। और इस दौरान जब पीड़िता ने हंगामा मचाया तो स्थानीय लोग, जो ग्रामीण हैं वहाँ के, वो बाहर आए और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि सभी फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाज के दौरान जब कल पीड़िता की मां की मौत हो गई तो इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की, यहां पर जांच शुरू की, जहां मुठभेड़ हुई 2 आरोपियों के साथ और इन 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन अभी भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो यूपी सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार बेटियों को सुरक्षा कब मुहैया होगी, बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाएगी और आखिरकार बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा। तो पीड़िता की मां की बेरहमी से पिटाई की गई है और इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक करते हैं अपने सहयोगी नीरज अवस्थी का। नीरज, 2018 का ये मामला है, लेकिन जिस तरह से अब सामने आया है वो बेहद ही सनसनीखेज है। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 4 अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। अभी किस तरह की कार्रवाई पुलिस की? देखिए, आपको बता दूं, इस मामले में घटना के बाद
तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पहले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर भी हुआ था, आज जब ये कल मौत हो गई पीड़िता की, इसके बाद पुलिस फिर सक्रिय हुई है और दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया। अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें जो अज्ञात लोग थे उनकी अब पुलिस जानकारी जुटा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो लोग भी गिरफ्तार की जाएंगे। लेकिन इस तरीके की जब वारदातें सामने आती हैं, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, तो साफ सवाल खड़ा करती है कि कितनी सुरक्षित है महिलाएं प्रदेश में और जिले कानपुर में। तो वो चीज मामले के साथ ही और हम लगातार जिस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, ये बार बार सामने आ रहा है कि यूपी में तो अपराध किस तरह से है वो पता ही है, लेकिन कानपुर में ज्यादा इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे मामले सामने देखने को मिल चुके हैं आज बीते दिनों में। इस तरीके से जो साफ सवाल ये निशान खड़ा होता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है कानपुर में, और कहीं ना कहीं पुलिस के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़ा होता है कि पुलिस आखिर इन मामलों में अगर शुरू में ही सख्त कार्रवाई कर दी तो इस तरीके की चीजें सामने ना देखने को मिले। लेकिन कानपुर पुलिस जो इन तमाम चीजों से सीख नहीं ले रही है, इस तरीके की घटनाएं जिसके चलते सामने आती है बार बार। बिल्कुल नीरज, अभी पीड़िता का और उनके घर वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए कल मौत के बाद काफी आक्रोशित थे परिजन, उसके बाद पुलिस ने इस चीज को गौर करते हुए घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा लगा दी, जिससे तमाम लोगों में जो रोग था वो किसी बवाल के रूप में ना आ सके, एहतियात के रूप में फोर्स वहां पे तैनात की गई है। इसके अलावा जो परिजन है उनमें काफी रोष है, उनका कहना है कि यहाँ पे इंसाफ और न्याय ऐसी बातें खाती होती हुई, क्योंकि जब पहले पीड़ित थे तो उन्होंने मुकदमा लिखवाया, जब उस मुकदमे की गवाही होने को थी तब इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया घर में घुस के, जिसका वीडियो भी वायरल है। तो मतलब कहे की शर्मनाक तस्वीरें हैं इस तरीके की ये जो सामने आ रही है थी। बिल्कुल, लेकिन नीरज ये भी बताइए, पुलिस प्रशासन को लेकर अगर देखा जाए तो ये सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या सरकार इस तरह के मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर क्या संज्ञान लिया गया है? देखिए तमाम बार जब यूपी में इस तरीके के मामले हो रहे हैं तो विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है, जो प्रियंका गांधी कई मामलों को लेकर ट्वीट करती है, उसके बाद जब सरकार के लोगों से बातचीत की जाती है तो वो सिर्फ सफाई देते हैं और इस तरीके का बयानबाजी होती है कि ये वो राजस्थान में या जहां उनकी सरकारें हैं वहां पे वो देखे, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी सरकार की नहीं चलेगी, इससे सख्त कदम उठाने होंगे जिससे इस तरीके की घटनाएं फिर न सामने आ सके। चलिए धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अभी फिलहाल जो पुलिस की कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और पीड़ित जो है लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। 2018 का मामला जहाँ पर आरोपियों को छेड़खानी के मामले में बंद किया गया था जेल में, लेकिन इस दौरान जब जमानत पर रिहा हुए तो पीड़िता की माँ पर मौसी पर हमला कर दिया, जहाँ पीड़िता की माँ की मौत हो गई।